हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज किचन रेसिपी में। मैं आपका दोस्त फ्रेंड राज, और आज हम बनाएंगे एक सीक्रेट कड़ी कड़ी पकोड़ा कड़ी बनाएंगे, जिसमें हम ना लहसुन यूज़ करेंगे, ना प्याज यूज़ करेंगे, ना दही यूज़ करेंगे, ना अमचूर यूज़ करेंगे। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही लजीज और चटपटी लगती है खाने में। अगर आपने एक बार इस कड़ी को ट्राई कर लिया तो मैं आपको कन्फर्म कहता हूँ, आप बिना दही के यही कड़ी बनाएंगे। तो फ्रेंड दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए इसी तरीके की रेसिपी लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों, ज़्यादा बोर नहीं करते, बनाना शुरू करते हैं बिना दही, बिना लहसुन, बिना प्याज। तो पकौड़े वाली कड़ी, वो भी बिना दही के बनाएंगे, तो उसके लिए हमें पकौड़े तो बनाने पड़ेंगे। तो पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 150 ग्राम बेसन। इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले 1/2 टीस्पून नमक, साथ में डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच क्रश करी हुई अजवाइन। अजवाइन के साथ में इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, इससे बहुत अच्छी खुशबू पकोड़ों में आएगी। हरी मिर्च डालेंगे 2 बारीक कटी हुई, ये मोटा पीस आ गया है, और 1/2 चम्मच करीब डालेंगे इसमें धनिया दरदरा कुटा हुआ, साथ में डालेंगे हरा धनिया। एक बार इसको करते हैं मिक्स, इसको मिला लिया है। अब इसमें डालते हैं हम 3 से 4 पिंच मीठा सोडा, और बस मिला के सीधा इसमें डालेंगे पानी। पहले 1/2 कप डालेंगे, मिलाएंगे, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए गुठलियाँ। फिर 1/2 कप के आसपास डालेंगे और एक गाढ़ा घोल बनाना है इसका। ये देखिए, ये इतना पतला होना चाहिए, ना ये गाढ़ा है ना पतला है। और अब फ्राई करते हैं पकौड़े, हम 5 मिनट से छोड़ेंगे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो हम अब क्या करेंगे, इसको एक बार और मिला लेते हैं, और यहाँ पर चढ़ा दिया है तेल इस तरीके से, हाथ में लेंगे और एक बार में 8-10 डाल देवे। उसके बाद थोड़ा सा इन्हें मीडियम लो फ्लेम पर होने देवे, करीब 30 से 40 सेकंड, और फिर कुछ झावे से थोड़ा सा इसको इनको इस तरीके से करना पड़ेगा, और फिर ये ऊपर आ जाएंगे। और अभी इन्हें मीडियम लो फ्लेम पे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हम मीडियम लो फ्लेम पे हमने इन्हें करीब 3 मिनट तो कर लिया इस तरीके से चला चला कर फ्राई, और ये काफ़ी क्रिस्पी हो गए। बस 1 मिनट और तैयार है, इनको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारे पकोड़े बना लेंगे। पहले तो सारे पकोड़े हमने फ्राई कर लिए हैं, लग रहे हैं ना ऐसे ही खा जाए, नहीं इन्हें कड़ी में डालना है। बचपन में मम्मी बनाती थी तो आधे तो हम ऐसे ही खा जाते थे। तो यहाँ पर हम तैयारी करते हैं कड़ी बनाने की। हमने एक भगोनी ले ली है खाली, इसके अंदर सिर्फ 50 ग्राम, ये 50 ग्राम इसमें बेसन डालेंगे, और बेसन छान के ही यूज़ में लें जब भी आप उसका कोई घोल बनाएं या पेस्ट बनाएं, तो वरना आपके लम्स रहेंगे ही रहेंगे। इसमें डालते हैं करीब 1 लीटर पानी, थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिला लिया। अब ये पूरा 1 लीटर पानी डाल देते हैं इसमें, और अभी पानी इसमें और डलेगा, तो अभी हम इतना ही मिलाते हैं इसमें। और अब इसे मिलाने के बाद में गैस पर चढ़ा देते हैं, और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रेगुलर इसे चलाना है जब तक इसमें बबल नहीं आते हैं, इसको इस तरीके से चलाते रहना है। पानी अभी इसमें करीब करीब 1/2 लीटर पानी और डलेगा। तो ये देखिए बबल आ गए, देखिए अब ये फटेगी नहीं कड़ी। अब इसमें हम पानी 1/2 लीटर और डाल देते हैं, इस नाप की भगोनी हो आपको तो आधी भगोनी भरनी है आपको। तो इसे वापस चलाएंगे, एक बार वापस ये गाढ़ा होगा, फिर देखेंगे अगर पानी इसमें डालना है तो अभी इसे और चलाते रहेंगे बबल आने तक। देखिए एक बार वापस बबल आ गए हैं, गैस करते हैं लो फ्लेम पर। अब इसमें डालते हैं 1/2 टेबल स्पून हल्दी, मिला लेते हैं अच्छे से, ये आ गया अच्छा सा कलर। और अब इसमें डालते हैं हम नमक 1/2 टेबल स्पून,
आप ले सकते हैं स्वाद अनुसार। पहले कमी डालें, मिला लेते हैं। अब इस पे हम थोड़ा सा इसे गाढ़ा होने देते हैं। अब इसको मिला लिया हमने, गैस करते हैं बंद। अब इसको रखते हैं हम साइड में। तो यहाँ पर हमने एक दो भगोनी तो आपको चाहिए इसमें, तो एक भगोनी हमने इस चढ़ा दी है। यहाँ डालते हैं हम करीब 2 टेबल स्पून तेल। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया अच्छे से। यहाँ डालते हैं हम राई के दाने करीब 1 टेबल स्पून से भी ज़्यादा। ये देखिए राई को अच्छे से तड़का लग रहा है। यहाँ डालेंगे करी पत्ते। यहाँ डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून काली मिर्ची दरदरी कुटी हुई, 5 से 6 हरी मिर्च और इसको एक बार मिलाएंगे। तो ये देखिए सबको तड़का लग गया है अच्छे से। अब ये जो हमने कड़ी का घोल बनाया था इसमें ऐड करते हैं। देखिए मुंह में पानी आया ना, ये देखिए इसमें बबल भी आने लग गए हैं। लेकिन हमें इसे अभी और गाढ़ा करना है, और भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और पकोड़े ले लेंगे तो ये पानी इसमें से रह जाएगा कम। बस इस स्टेज पे तेज कर चेक कर लें आप नमक थोड़ा सा और मिर्च। लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि हरी मिर्ची हमने डाल दी है इसमें और काली मिर्ची डाल दी है। ठीक है भैया, देखिए बबल आ गए हैं। गैस करते हैं हम लो फ्लेम पर और इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, और आप इसे कि अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है तो इसलिए मैं चाट मसाला ही डाला है। और इसके और चलाते हैं हम करीब। उससे पहले हम इसमें फाइनली 1 गिलास पानी जो हमने जिसमें कढ़ी बनाई थी उसको साफ करके ये ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए कितना शानदार कलर आया है। और इसमें डालते हैं काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ धनिया। इसको हम करीब 5 मिनट और चलाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर। ये देखिए हमने इसे 5 मिनट चला दिया। अब गैस करते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। यहाँ चढ़ा दिया तड़का पैन, एक तड़का लगाना, बाकी आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बिट ऑयल। तेल को होने देते हैं गरम। तो तेल गरम होने के साथ डालेंगे 4 से 5 लौंग, 5-7 धागे जावित्री के, और साथ में डालेंगे हम 8-10 पिंच हींग। और ये इसको अच्छे से तड़का लगा के, और ये लग गया है तड़का। अब डाल देते हैं हमारे पकोड़े। आप इसमें छेद करके भी डाल सकते हैं, पर बहुत क्रिस्पी बने ऊपर से, अंदर से सॉफ्ट बने। इसको थोड़ा देर हम इसमें रखेंगे तो ये ऑलरेडी और सॉफ्ट हो जाएंगे, अंदर तक वैसे भी चला जाएगा, पर आप फोक के सहारे थोड़ा सा छेद कर लें, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। इन्हें मिला लेते हैं इस तरीके से। देखिए मुँह में पानी आया। बस करते क्या, आप इसको रख देते हैं ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो गर्मा गर्म पकौड़े वाली कड़ी, बिना दही, बिना लहसुन, बिना प्याज, कोई भी चीज़ हमने ऐसी नहीं डाली है। ये सब खा सकते हैं, जो प्याज नहीं खाता है वो भी खा सकता है, जो प्याज खाते हैं वो भी खा सकता है। तो तैयार है, गैस करते हैं बंद। और आज के लिए इतना ही। अगर ये रेसिपी आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपके सब घर में तारीफ करने वाले, मैं आपको लिख कर देता हूँ, वादा करता हूँ। और फ्रेंड्स दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए जो बनाया है वो चावल के साथ खत्म करते हैं।